यार थोड़ा सा अंजना ओम कश्यप जी का भाई बनो। और आपको आगे हम दिखाएंगे कि सरकार के खिलाफ सवाल दागना बंद करो पंकज, ये कहना है नेताजी का, जिसने मोदी और योगी की सरकार को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। एक दूसरे न्यूज चैनल के पत्रकार ने सवाल दागा तो उस पर क्या क्या कहा गया, विस्तार से हम दिखाते हैं वायरल वीडियो की कहानी और नेताजी की जुबानी। आपके सवाल से हमको लगता है कि आपको अपने परिवार और युवा से डर वर नहीं लगता है क्या? आप किसके शासन काल में और किसके विरोध में सवाल कर रहे हैं ये आप नहीं समझ रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, शायद भूल गए होंगे आप पुराने हिंदुस्तान में नहीं जी रहे हैं, आप बदलते हुए हिंदुस्तान में जी रहे हैं। यहाँ जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रदेश में आप ये सवाल कर रहे हैं, यहाँ का प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। परिवार के ऊपर रहम करो यार, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल दागना बंद करो पंकज, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल दागना बंद करो पंकज, नहीं तो किसी न किसी किनारे कोने पर गौरी लंकेश के भाई बन करके पड़े रह जाओ, नहीं तो किसी न किसी किनारे कोने पर गौरी लंकेश के भाई बन करके पड़े रह जाओगे। और नहीं तो दूसरा एक तो पत्रकार था मिर्जापुर में, एकदम सही रिपोर्ट दिखाया था, गरीब बच्चों को मिड डे मील में नमक और रोटी मिल रहा था, वो जेल चला गया। और नहीं तो दूसरा एक तो पत्रकार था मिर्जापुर में, एकदम सही रिपोर्ट दिखाया था, गरीब बच्चों को मिड डे मील में नमक और रोटी मिल रहा था, वो जेल चला गया। यार थोड़ा सा अंजना ओम कश्यप जी का भाई बनो, यार थोड़ा सा अंजना ओम कश्यप जी का भाई बनो। आपको हम एक नसीहत देते हैं, सरकार के खिलाफ सवाल करने वाले लोग मारे जा रहे हैं, हमको आपके ऊपर तरस आता है। ठीक है, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप देश में आप आम जनता के पक्ष में सवाल करते हो, आपको मेरी पूरी शुभकामनाएं, लेकिन इस देश में वाजिब सवाल करने वालों की हत्या कर दी जाती, उनको मौत के घाट उतार दिया। देश में वाजिब सवाल करने वालों की मौत हत्या कर दी जाती, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है।